फाइनली यार अभी हम लेह की तरफ निकल चुके हैं। सुबह के अभी 6 बज रहे हैं और हम चेक पोस्ट से निकल चुके हैं। साइड ग्लास अपना ओपन कर लेते हैं और यहीं से हमें जाम मिलना स्टार्ट हो गया। वैसे ये जाम नहीं है, ये सिर्फ नाले की वजह से यहाँ पे जाम चल रहा है। और यार दूर दूर तक अभी कोई भी छोटा व्हीकल नहीं देखने को मिला हमें, सिर्फ बड़ी गाड़ियाँ बसेस यही जा रहे हैं, ट्रक वगैरह, कोई भी छोटी गाड़ी नहीं गई अभी तक। तो देखते हैं क्या बनता है। तो ये देख लो आप सरचू का बोर्ड। सारे आर्मी वाले भाई हैं हमारे। चल चल आजा। और फाइनली हम जो है ले में एंटर कर चुके हैं। वो पार वाली साइड के साइड अगर आप देखोगे, वो पार वाली साइड पे हिमाचल है, यहाँ से ले शुरू हो जाता है। लंबे जाम का हिस्सा बनते हुए, क्योंकि इस ब्रिज से अकेली अकेली गाड़ी निकलेगी। सामने वो रहा ब्रिज, और ब्रिज का नाम है ट्विंग ट्विंग ब्रिज। वहां पे भी बोर्ड लगा हुआ है फ्रेंडी ब्रिज। यहाँ पे चक्कर ये है कि इन सभी ब्रिज पर से सिंगल सिंगल गाड़ी एक टाइम पे क्रॉस करेगी। हमारी इन वीडियोस के थ्रू आपकी जो जर्नी है वो थोड़ी आसान हो सकती है, रियलिस्टिक जो चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे हम। बाकी अभी थोड़ा पांग जो है यहाँ से 52 किलोमीटर्स रह गया, काटा लूप्स के नज़दीक हैं हम। सात कैंची है, सात तो नहीं, 22 कैंचीज हैं। कैंचीज मतलब ऐसे ये ट्रेल्स को हमने क्रॉस करना है सारे वन बाय वन, और फिर हम हाइट पे जाते रहेंगे जैसे वो ऊपर गाड़ियां जा रही हैं अगर आप देख रहे हो। बाकी जर्नी काफी अच्छी है यार, अब रोड काफी सही हो गए हैं। हम तो आए फर्स्ट टाइम पे, हमें तो पता ही क्या है, पीछे थोड़े थोड़े रोड गड़बड़ थे, बस ऐसे ही ट्रेल्स को हमें क्रॉस करना है। ये जो कैंचीज बनी हुई हैं, हमारी लोकल लैंग्वेज में कैंचीज बोलते हैं हम इनको। इसे XUV300 आ रखी है और इसने साइड में लगा लिया पहले, क्योंकि काफ़ी बड़ा काफिला आ रहा है गाड़ियों का। तो ये जाएगा, उसके बाद ये नीचे को जाएंगे, क्योंकि पहले टर्न है नीचे वालों की जो चढ़ाई चढ़ रहे हैं। और इनको बड़ी परेशानी है यार बेचारों को, ये पता नहीं क्या खा के आए हैं, ये पता नहीं भूखे दौड़े हुए हैं घर से कि लेब में जाके खाना खाना है इन्होंने। और यहाँ आके हॉर्न पे, हॉर्न की तुम्हारे सर के ऊपर से लेके जाएगा क्या गाड़ी। छोटे छोटे पासिस बने हैं यहाँ पे वैसे। ये देखो हॉर्न पे हॉर्न, टॉन करने से क्या होगा, हम देंगे क्या गिदाने। काफी ऊपर आ गए हम भाई, काफी ऊपर। पहले देख लो हम कितने नीचे थे और अभी हम कितने ऊपर आ चुके हैं। और ये है वो वाला पॉइंट जहाँ पे कहते हैं कि किसी की डेथ हुई थी, कोई बाइकर था या शायद ट्रक ड्राइवर था जिसकी डेथ हुई थी, और पानी मांग रहे थे और पानी तो उनके पास, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो यहाँ पे लोग जो है बॉटल्स वगैरह रख के जाते थे, बट अब ना रखे कोई तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बहुत बॉटल्स हो चुकी हैं यहाँ पे। जय श्री राम। चलिए आगे आप, शायद ये लूप्स जो है वो ख़त्म होने को हैं, वहाँ ऊपर जाके वो ट्रक आ रहे हैं। ये कुछ आई थिंक ये लास्ट वाला लूप यहाँ पे रह गया, एक काफ़ी स्पीड में आया ट्रक नीचे से। और अब गाटा लूप्स जो है वो एंड हो चुकी हैं, पीछे लिखा भी हुआ था। काफ़ी दूर से हैं हम, बट यहाँ से विजिबल नहीं होगा फ़ोन में। 46 किलोमीटर रह गया अभी यहाँ से सारा ही, और यहाँ पर थोड़ा व्यू एन्जॉय करने के लिए बना रखा है स्पॉट। रह गया यहाँ से 214 किलोमीटर और उपसी 164,
बाकी यार इनके लिए बड़े हर्डल्स हैं यहाँ पे, ट्रक वगैरह अगर ख़राब हो जाए ना काफ़ी दिक्कत भरा काम है ये, क्योंकि यहाँ पे टाइम्स निकालना अपने आप में क्या बताया हम, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये भाई। एक्सल उक्सल हेल्प मिलना ना मुश्किल है भाई, अपना भी काम करना पड़ेगा। ये तो बात है, यहाँ पे मैकेनिक तो भूल ही जाओ, अब के लॉन्ग के बाद मैकेनिक तो भूल ही जाओ, और वहाँ से किसी को लेके आना वो फिर और भी मुश्किल काम है। ये ट्रक नीचे गिर चुका है यार, इसके तो टायर्स वगैरह भी नहीं है ना, काफ़ी टाइम हो गया इसको गिरे हुए, इंजन भी साथ में गिर गई। तो नकीला पहुंच चुके हैं हम, नकीला टॉप, नकीला टॉप और नकीला पास। अब हम पांग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और पांग यहाँ से ज्यादा 35-36 किलोमीटर दूर रह गया है वो बारमाचा पास। पर यार अभी हमें जो है बड़े बड़े पैच मिलना स्टार्ट हो गया ऑफ रोडिंग, तो जो थोड़ी दिक्कत कर रहे हैं हमें, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है गाड़ी को, नीचे लग जा रही है, बाकी इतना भी ख़राब नहीं है रोड, मैंने जितना वीडियोस में देखा अभी तक का सर चूसे 50 किलोमीटर आगे आ चुके हम, लेकिन ये है बिल्कुल नहीं है, बस थोड़े थोड़े पैच हैं बीच में, क्योंकि मैंने सुना था 100 किलोमीटर का पैच है और बड़े बड़े खड्डे हैं, तो इतना भी नहीं है, है बड़े बड़े खड्डे लेकिन मुश्किल से 3 या 4 बार मिले होंगे हमें, इससे ज़्यादा नहीं, और वो भी हमने इस गाड़ी के साथ क्रॉस कर लिया है, मतलब किसी एक पॉइंट पे लगी, मेरे को याद नहीं कि लगी है वहाँ पे गाड़ी, अगर तरीके से निकल तगड़े वाला पैच। अब इसमें हम एक टायर रखेंगे उस कोने पे बिल्कुल, जय शंकर महाराज, जय जय बड़े शंकर भगवान की। बस ये होता है इतने बड़े खड्डे में ये दिक्कत होती है कि कहीं बीच में अगर नोकीला पत्थर हुआ तो वो टायर वगैरह को डैमेज कर सकता है और कुछ नहीं, बस स्लोली स्लोली निकल जाओ और क्या। सामने गाड़ी खड़ी है सेवरले की स्पार्क स्पूक है शायद, तो बंदा खड़ी करके चल गया यहाँ पे, इसको हिम्मत ही नहीं हुई होगी, खर्चा इतना आ जाना था इसको टोकर आने में, बस लोगों ने टायर भी निकाल के ले गया, बस पड़ी है अब यहाँ पर। वो सामने ट्रक पलटा हुआ है रोड में, वो सामने आगे से दिखाता भाई, बहुत ही गंदी हालत है, क्या ही बताएं, ट्रक तक पलट गया है यहाँ पे, निकली गई निकल जाएगी सामान तक, निकल जाएगी निकल जाएगी, निकल गई निकल गई, थोड़ा इस साइड रख ऊपर रख ले, इधर जो रख इधर जो इस साइड पे रख ले, निकल गई हमारी गाड़ी। और ये रिसेंटली हुआ है, ताज़ा ही है ये, अब व्यू काफ़ी अच्छे हो गए और इंटरेस्टिंग हो गया, अब थोड़ा हमारे अंदर भी जान आ चुकी है। रोड फिर भी वैसे ही है, थोड़े थोड़े जगह पे पैच खराब, फिर थोड़ा सही, फिर खराब, ज़्यादा खराब नहीं है, हाँ पर ज़्यादा खराब नहीं है, ऐसा खराब है मतलब हमारी सेंट्रो निकल पा रही है तो समझ लो आप। पहाड़ बने हैं यार ये रेतीले से, तो भाई हम ब्रिज के ऊपर से नहीं गए, हमें नीचे से लेना पड़ा क्योंकि ऊपर से रोड खराब हो गया, ये सारा ऊपर से लैंडस्लाइड हो रखा था जिसकी वजह से खराब हो गया, तो हम ब्रिज के नीचे से जा रहे हैं सब में, ये नदी बह रही है छोटी सी, यहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़े से पथरीले पहाड़ है, वहाँ पे गंजे पहाड़ है रेतीले टाइप, और उसके साथ में फिर बर्फीले पहाड़ है भाई जी, पीछे रोड जो है वो खराब थी ज्यादा, तो अब हम यहाँ से पानी के बीच से गाड़ी को निकालेंगे, यहाँ साथ में ये छोटी सी झील आप देख सकते हो या शायद नदी है, तो देखो अब आप अच्छे से एंजॉय करो।
क्रॉस करके पता लगेगा कि हम कहाँ पहुंचे एग्जैक्टली। तो अभी रुकना पड़ा है हमें यहाँ पे, काम देख के समझ गए होंगे आप क्यों रुक रहे हैं हम यहाँ पे। गाइस अब हमारा अगला जो स्टेशन होने जा रहा है वो है तंगलंगला। पहाड़ काफी अच्छा है भाई, इधर का व्यू बड़ा अच्छा है, वो देखो सामने हमारा बंदा गिरता हुआ आलू की बोरी। वाओ ड्राइवर, यहाँ पे स्टॉप लिया है हमने, अब ये हमारा फर्स्ट स्टॉप है, छोटा सा ब्रेक, फोटोज वगैरह क्लिक कराते हैं यहाँ पे अपनी। तो अभी हम ट्राई कर रहे हैं ये वाला पैच, वो भी हमारी सेंट्रो से वो भी। तो फाइनली हम मेन रोड में पहुंच चुके हैं। तो जो लोग बड़ी बड़ी गाड़ी यूज करते हैं 4x4 से, वो हमने सेंट्रो से कर दिखाया है। और सामने पहाड़ देखो आप, जो बर्फ वाला पहाड़ है, अलग की शेड बनी है। फोटो खींच के भेजूंगा ना किसी दोस्त को, बोलेगा भाई ये क्या फोटो, ये क्या पेंटिंग सी भेज दी तुमने, क्या ही तगड़ी जगह रुके हैं, मैं क्या बताऊं आपको। अब देखो आप क्या ही नजारा है यार, क्या ही नजारा है। ये हमारी गाड़ी सेंट्रो, स्कॉर्पियो पीछे आ रही होगी भी बेचारी, पर हमने कर दिखाया थी। अब यहाँ से डबल लेन स्टार्ट हो चुकी है, नजारे बदलते हुए। तो अब यहाँ पे थोड़े हालात बदलते हुए अब हमें काफी हाइट पे पहुंचना है, और बाहर जो हालात है वो आप देख लो। तो ये बर्फ की चादर ओढ़ के बैठे हैं हमारे हिमालयस। बहुत जल्द अभी हम जो है पंचपीरी पहुंचने वाले हैं, अभी हमने जस्ट बनेड़ क्रॉस करी और फिर हम स्वारघाट में ही रुकेंगे डायरेक्ट। थोड़ा रोड की हालत दिखाते हैं आपको, कुछ ऐसा है। बाकी यार एक बात तो बता देता हूँ आप लोगों को, आसान नहीं है लेह लद्दाख करना, जो बाइक पे आ रहे हैं उनकी तो बहुत ही बुरी हालत होगी, बहुत ही बुरी। हम तो गाड़ी में बैठे हैं, हमारी टाइट हो रखी हालत, खस्ता सांस चढ़ रखी है, सारा ढका पड़ा पहाड़, कितने फुट की बर्फ है यार, 6-7-8 फुट की बर्फ है, टीले बड़े बड़े हैं, और रोड की हालत देख लो। सिर्फ खड्डे ही खड्डे हैं और कुछ नहीं, जैसे हमने तंगलंगला क्रॉस करा, ये सामने से आ रही है अपनी RS 200। भाई कोई पता है पैर लगाते लगाते, तो अभी फाइनली हम कहाँ पे हैं मुझे भी नहीं पता कहाँ पहुँचे हैं, और अभी मूड काफ़ी गंदा है, सोया था थोड़ा लेकिन नींद भी नहीं आई ढंग से, तो बस सोना है। वो सामने लिखा है नॉर्डन, तो पता नहीं नॉर्डन है कि क्या है, वो होम स्टे का नाम है नॉर्डन। अपना सोना है, अपने को सोना है यार फिलहाल, सीट एक्सचेंज कर चुके हैं, सोते हैं अब। तो ये था लाटो विलेज जो निकल चुका है, तो यहाँ से पर्पल पहाड़, पर्पल कलर के पहाड़ शुरू हो जाते हैं, कहाँ ख़त्म होते हैं वह देखते हैं, लेकिन देख के अच्छा लग रहा है। यहाँ से जो है ये पहाड़ों का
कलर जो वो चेंज होना स्टार्ट हो गया पर्पल से। जादुई बाग यहाँ पे खेती करते हैं लोग यार। सो यार फाइनली अभी हम ओपसी चेक पोस्ट पे हैं, तो बस साहिल गया वहाँ पे थोड़ा अपनी एंट्री करवाने और व्हीकल की एंट्री होगी और कितने लोग जा रहे हैं साथ में, बस बेसिक डिटेल्स लेंगे वो और आई थिंक हमें जाने देंगे। बाकी हमने पास एडवांस में बनवा रखे हैं बट मुझे नहीं लगता किसी पास की ज़रूरत पड़ती है। अब तक हमें सभी ने मना करा है कि कोई भी किसी भी तरह का यहाँ पे पास नहीं लगता, किसी भी तरह का परमिट यहाँ पे नहीं लगता आज के टाइम पे, तो आप लोग भी मत बनाना। बाकी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वीडियो के आगे हम बता देंगे। काफ़ी समय के बाद हमें जो है फ्रूट्स की शॉप मिली है। मुगल नहीं नहीं तिब्बती नहीं है, महाराजा ले एयरपोर्ट मनाली नमग्याल ले आए नहीं ले जा। हाँ हम ले में पहुंच चुके हैं वैसे। महाराज वो है कि चिल पे मैं बर्बाद होने लगा। ये क्या करना है इतनी स्टेट हो नहीं यहाँ पे। अभी हम ले मार्केट घूमना स्टार्ट कर रहे हैं। यार अपना लंच वगैरह हमने डन कर लिया है, अब हम जा रहे हैं ले मार्केट वाली साइड पे। वेलकम जी ट्वेंटी। होटल वगैरह ले लिया जी। जी सर बस पूरा हिमाचल देते हैं, पता लगना चाहिए पकड़ में आ जाए तो बस काफी है। और